आमतौर पर बड़े महानगरों में गर्मी के दिनों में लोग एसी और कूलर चलाकर घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जोधपुर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों की प्यास बुझाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं होता, लेकिन गर्मी की वजह से ये पानी गर्म हो जाता है, लोगों को पीने के लिए परेशानी आती है। ऐसे में करीब 9 साल पहले शिक्षक सुधीर बछावत, जो एक पैर से ही चल सकते थे, उन्होंने रणकपुर एक्सप्रेस में लोगों को पानी पिलाने का काम शुरू किया। आज सुधीर बछावत इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा से करीब 50-60 लोग मिलकर ट्रेनों में लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हैं। ये बिल्कुल निशुल्क सेवा होती है और इसकी लोग सराहना भी करते हैं। इसी को लेकर एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की। आम तौर पर शहरों में लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो सुकून देने वाली है। इस भीषण गर्मी में 42 से 44 डिग्री तक का तापमान रहा था, लेकिन आप देखिए कुछ लोग हैं जो यहाँ जब ट्रेनें आती है तो उस ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए ठंडा पानी लेकर आते हैं। कह सकते हैं कि जिस तरह के ठंडे पानी की ये सेवा है पिछले 7 साल से ये लोग कर रहे हैं, उनसे हम जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे। सर एक मिनट, आप नाम बताएं वकील साहब, एक मिनट अपना। सूरज प्रकाश सोनी। सोनी जी, सर किस तरह से आप लोग ये सेवा करते हैं और कितना साल हो गया? मतलब मेरे को तो 30 साल है, वैसे ये संस्था चल रही है 8 साल हो गए, पूरा 9 साल चल रहा है ये। इसमें सुधीर जी बचाओ साहब सर थे, उन्होंने शुरू किया, 5 कैंपर से एक दिन अकेले शुरू किया और उनका पैर भी आधा कटा हुआ था, ऐसी मेहनत की उन्होंने। अभी 1 साल हो गया उनका स्वर्गवास हो गया, ये सब उन्हीं की देन है और उनके कई शिष्य हैं, वो टीचर थे, कई शिष्य हैं उनके, वो सब सेवा दे रहे हैं, उनके भाई बंधु प्रेम साथ में उनका साथ। ये एक रणकपुर ट्रेन पे ही उनका उद्देश्य था और वो भी लोकल डब्बों में, और वो भी डब्बों के पास जाके बढ़ना, क्योंकि वो पैसेंजर उतरते हैं तो सीट रुक जाती है। इस वजह से उन्होंने सारा ये सिस्टम बता के गए, कहा ऐसी सेवा करो। आज से 50 से 60 कैंपर रोज प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं। जो पानी लाने वाला है वो भी अपनी तरफ से 5 कैंपर रोज सेवा दे रहे हैं, उनके नाम है रामदयाल जी और राकेश जी गोस्वामी। तमाम वो लोग हैं जो यहाँ आप देखिए इस तरह से ट्रेन में आते हैं और ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों को ठंडा पानी पीने को मिल जाता है। क्या कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत रिलीफ मिल रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं ठंडे पानी की, पानी खूब रेलवे स्टेशन पर, लेकिन सारा पानी गर्म मिलता है यहाँ पे, ठंडा पानी मिलता नहीं। पब्लिक बहुत आती है, ये लगे हुए हैं क्या नाम फ्रीजर, उसमें गर्म पानी ले जाती है पब्लिक, इसमें गर्म पानी हो जाता है। ये कैंपर की व्यवस्था बहुत कम लोगों की, कम जगह मिलने के देखने को मिलती है, और जो यहाँ मिली है इनको सुविधा जिन्होंने दी है इनको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब। यात्री है वो इस पेयजल की व्यवस्था, कहते हैं पानी का दान सबसे बड़ा दान होता है, जिस तरह से गर्मी में अगर किसी को पानी, प्यासे को पानी पिला दिया जाए तो कह सकते हैं पुण्य का काम होता है। यही कारण है कि ये ट्रेनों में अलग अलग ट्रेन, बाड़मेर हरिद्वार ट्रेन हो, ये रणकपुर ट्रेन हो, इस ट्रेन में ये लोग देखिए आप पानी पिला रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से बोतल्स लेकर लोग आते हैं उस बोतल में ये पानी भर के लोगों को प्यास बुझाने का काम करते हैं। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ बुजुर्ग है या जवान है, तमाम महिलाएं हैं, वो लोग हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं मुश्किल समय, दोपहर का जब समय होता है लोग घरों में सोते रहते हैं, लेकिन ये लोग अपनी तरफ से जो है लोगों की जल सेवा करके उनकी प्यास बुझाने का काम करते हैं। तो कहते हैं माता जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू सोनी। मंजू जी, ये आप कितने साल से कर रहे हैं, कितना सुकून मिलता है आपको? 3-4 साल हो गए जी। बहुत अच्छा हो गया, आप ये लगातार काम करते हैं, हम और बात करने का प्रयास करेंगे इनसे, क्योंकि जिस तरह से ये सेवा भाव का काम है, गर्मी में जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ है, हालांकि रेलवे की तरफ से यहाँ टीन सेट नहीं है, उस गर्मी में ये लोग खड़े रहकर यहाँ इस तरह की सेवा करते हैं। अगर यहाँ टीन सेट लग जाए तो इन लोगों को भी काम करने में राहत रहेगी, लेकिन हम बात करने का प्रयास करेंगे वापिस दोबारा से। मंजू जी, ये भावना आई कहाँ से आप में? थैंक यू जी, थैंक यू। ये भावना ईश्वर ने दी, फिर हमारे मन में भी उत्साह हुई हम चलें वहाँ पे पानी जल सेवा करें, इसलिए हम आए यहाँ पे। आपके साथ और महिलाएं भी थी, हमने देखा उस प्लेटफॉर्म पर। हाँ, हमारे रिश्तेदार ही है सारे। ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आकर सेवा करते हैं, और ये एक दिन का काम नहीं है, लगातार जब से गर्मी शुरू होती है 2 महीने तक लगातार ये सेवा करते हैं। जेठ का महीना चल रहा है और कहते हैं जेठ में जिस तरह से अगर किसी को पानी पिलाया जाए तो पुण्य का काम होता है, और यही सेवा भाव से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं इस भीषण गर्मी में इस तरह की तस्वीर अलग ही कम देखने को मिलती है, जहां लोग अपना घर छोड़कर लोगों की प्यास बुझाने का पुण्य काम कर रहे हैं। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।